वेलकम टू माई चैनल। तो अभी इस वक्त मैं हूँ बागा बीच पे और आज है 11th of November। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे देखने के लिए कि शैक्स की क्या सिचुएशन है, क्या शैक्स ओपन हो चुके हैं या नहीं है। तो इस पूरी वीडियो में हम पूरा बीच घूमेंगे, विल सी कि क्राउड कैसा है, बीच पे क्या सिचुएशन है, वाटर स्पोर्ट्स के क्या प्राइसेस है। तो आज मैं फिर से एक और बार आपको वाटर स्पोर्ट्स के प्राइसेस इसमें दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप बागा बीच आना प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अपने चैनल पर गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको गोवा की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो ये एज यूजुअल बागा बीच की पार्किंग है, एंट्रेंस एरिया, और यहीं पर आप अपनी टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। तो अभी जो पार्किंग चार्जेस है यहाँ पे आपकी स्कूटी टू व्हीलर के लिए 30 रुपीज़ हैं, और यहाँ से अगर आप अंदर की साइड जाएंगे वहाँ पे फोर व्हीलर कार्स के लिए पार्किंग एरिया है जो कि अराउंड 25 रुपीज़ आपको लगते हैं। तो यहाँ से अभी हम अंदर की साइड जाएंगे और यहाँ पे ये कुछ शॉपिंग ऑप्शन है, और यहीं से अगर आप इस साइड पे जाएंगे तो आगे की साइड में कुछ ईटिंग ऑप्शंस है, कुछ शॉप्स आपको मिलेंगी जहाँ पे आप अपने लिए कुछ छोटा मोटा खाने का सामान ले सकते हैं। और अगर अब आप यहाँ पर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ पार्किंग एरिया अवेलेबल है। और अभी हम यहाँ से एंट्रेंस लेंगे और एंट्रेंस पे ही यहाँ पे अगर आप साइड में देखेंगे बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शन हैं, कुछ ड्रेस की शॉप्स हैं और कुछ टैटू शॉप्स हैं, इस तरह की यहाँ पे ये शॉप्स हैं। और ये है बागा बीच का एंट्रेंस। और तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बीच बेड्स लग चुके हैं, जो कि अभी कुछ टाइम तक बीच बेड्स यहाँ पे नहीं लगे थे, बट अब बीच बेड्स की परमिशन मिल गई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे बीच पे बीच बेड्स लग चुके हैं, और जो ये वाटर स्पोर्ट्स का काउंटर है वो सामने ही है। चलिए आपको दिखाई देती हूँ यहाँ पे काउंटर कि यहाँ पे प्राइसेस क्या है। ये बीच वाटर स्पोर्ट्स के प्राइसेस है बागा बीच पे। तो यू कैन सी पैरासेलिंग 800 रुपीज़, जो कि कंपैरेटिवली बहुत चीप है अगर आप इसको कलंगुट बीच के इंडिविजुअल से कंपेयर करेंगे। और स्पीड बोट, यहाँ पे कयाकिंग भी होती है, डॉल्फिन ट्रिप है। सो ऑल दीज वाटर स्पोर्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं बागा बीच पे। सो प्राइसेस आर दीज। तो ये बागा बीच पे वाटर स्पोर्ट्स का काउंटर है जहाँ पे आके आप अपने वाटर स्पोर्ट्स बुक करा सकते हैं। एंड इस साइड पे अगर आप जाएंगे तो दिस इज़ द रिवर साइड जहाँ पे बहुत सारी फिशिंग हो रही है। तो अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो ये नदी का पानी है, जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता था आज यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम है, और बहुत सारी फ़िशिंग बोट्स हैं यहाँ पे। यहाँ से आप अपने लिए फ्रेश फिशेस ले जा सकते हैं खरीद के। एंड दिस इज़ बागा बीच। पानी बहुत नीचे की तरफ है और यूजुअली जो पानी है वो यहाँ ऊपर काउंटर के पास तक रहता था, बट अब आज यहाँ पे पानी बहुत नीचे है। तो क्राउड है अभी इस वक्त, तो मैं आपको क्राउड भी दिखाती हूँ, हाउ इज़ द क्राउड हियर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं और ये कयाकिंग है। सो अराउंड 500 रुपीज़ में यहाँ पे बागा बीच पे कयाकिंग होती है। तो पहले एक्चुअली सिर्फ साउथ गोवा में ही कयाकिंग होती थी, बट अब नॉर्थ गोवा में भी कयाकिंग के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। और यहाँ पे ये सामने क्राउड है, तो यहाँ पे ये पूरा वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है। तो पानी आज बहुत नीचे है और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे दूर वहाँ पे बीच बेड्स लगे हैं, और जो जितने भी बीच रेस्टोरेंट्स हैं वो उस साइड पे हैं। एंड पानी यहाँ पे कितना नीचे की तरफ आ गया है। तो ये पूरी बोट राइड्स हैं और उसके अलावा जेट स्की, ये सारे यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं। और दिस इज़ दी क्राउड सिचुएशन हियर। तो
क्राउड कंपैरेटिवली मुझे बहुत कम लग रहा है अभी इस वक्त। यहाँ पे यूजुअली बहुत ज़्यादा क्राउड होता था बागा बीच पे, तो कलंगुट बीच पे तो अच्छा क्राउड है, बट उसके कंपैरिजन में जितना क्राउड एक्सपेक्टेड था अभी इस वक्त नवंबर मंथ में, उतना क्राउड अभी यहाँ पे नहीं है, बहुत कम क्राउड है। और बहुत सारे लोग अभी वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप फ्लैग देखेंगे तो इसका कलर आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, दिस इज़ रेड एंड येलो फ्लैग। तो जहाँ पे भी रेड एंड येलो फ्लैग होता है वहाँ पे आपको स्विमिंग अलाउड होती है, तो जहाँ पे भी रेड एंड येलो फ्लैग लगा है आप वहीं पे स्विमिंग करें। एंड यू कैन सी देर आर सो मैनी पीपल हियर इनसाइड द बीच। एंड एक चीज़ जो कि आपको जब भी कभी कोई किसी प्लेस पे घूमने जाते हैं, सो यू कैन सी हाउ मच बॉटल्स आर हियर, कितने सारे लोगों ने यहाँ पे बॉटल्स और ये सब चीज़ें फेंकी हुई हैं। तो कभी भी आप आएँ तो प्लीज़ जगह को क्लीन रखें, एंड ये जितनी भी बॉटल्स कचरा है वो आप अपने साथ लेके जाएं, और जो सूटेबल प्लेस है, जो डस्टबिन्स हैं, आप वहीं पे कचरा फेंकें। तो दिस इज़ द क्राउड सिचुएशन हियर, आप देख सकते हैं वहाँ पे कितने पीछे तक लोग हैं। तो सामने आप ये देख सकते हैं रेड एंड येलो कलर का फ्लैग, आपको यहीं पे स्विमिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक फ्लैग है रेड एंड येलो, एंड उस साइड पे वो रेड एंड येलो फ्लैग है, तो इसके बीच का ये जो एरिया है ये स्विमिंग जोन है, यहाँ पे आप स्विम कर सकते हैं। और यहीं पे आपको पास में ये लाइफ गार्ड्स की व्हीकल दिख जाएगी, जो कि टाइम टू टाइम आप पे नज़र रखते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे एंट्रेंस के पास में ही ये ब्रिटोज़ है, और उसके पास में ये बहुत सारे बीच पैड्स लगे हुए हैं, और ये सब बीच बैड्स अभी ओपन हैं। तो अभी कुछ टाइम तक यहाँ पे बीच बैड्स की परमिशन नहीं थी, बट अब यहाँ पे बीच बैड्स लग चुके हैं, और बहुत सारे बीच रेस्टोरेंट्स के आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी आ रहे हैं, आज है 11th of November, तो मैं बस यहाँ पे शैक सिचुएशन चेक करने के लिए आई थी, तो अभी भी यहाँ पे शैक्स ओपन नहीं हुए हैं, तो कुछ और टाइम लगेगा शैक्स ओपन होने के लिए। बट अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं बागा बीच पे, बहुत सारे बीच रेस्टोरेंट्स अवेलेबल रहते हैं, जहाँ पे आप अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हैं, एंड यहाँ पे बैठ करके आप रिलैक्स कर सकते हैं। अगर शैक्स नहीं है तभी भी आपके पास बहुत सारे बीच रेस्टोरेंट्स के यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। तो ये पूरे बीच बैच यहाँ पे लग चुके हैं, और अगर आप पीछे देखेंगे म्यूजिक चल रहा है। बीच शैक्स ओपन होने के लिए टाइम लगेगा, बट अगर आप बागा बीच पे आते हैं तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अगर शैक्स भी नहीं है तभी भी जो ये रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत अच्छा नाइट में विद लाइटिंग बहुत अच्छा सेटअप करते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा लगता है, तो आप वहाँ पे बैठ करके रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप शैक्स के लिए गोवा आ रहे हैं तो उसमें अब थोड़ा और टाइम लगेगा, अराउंड 25th, मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था, अराउंड 20 तक ओपन हो जाने चाहिए। ऑल दो लाइसेंसेस मिल चुके हैं, बट कंस्ट्रक्शन में थोड़ा और टाइम लगेगा, और कंस्ट्रक्शन होते होते अराउंड 20-25th तो हो ही जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए नवंबर एंड तक ही जो शैक्स हैं वो ओपन होंगे यहाँ पे। तो फिर से हम आएंगे। तो So we have got some of the tourists. You are from where? I am from Karnataka. Karnataka. Okay. So you are here for how many days trip? 2 days. Sir. 2 days. So to when you reached today? Yesterday. Yesterday. Yeah. So how is Goa? It's super and more expensive. It's expensive. Yes, oh, where are you staying in Baga? Here we have hotel. Oh, here there is a hotel. Okay. So first time in Goa? Yes, first time. Okay, so enjoy. Thank you. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा नाइट का अब सेटअप स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि इवनिंग हो चुकी है, सनसेट ऑलमोस्ट हो ही चुका है, एंड यहाँ पे ये अब नाइट सेटअप हो गया है। और नाइट में बागा बीच लुक्स अमेजिंग, तो अगर आप नाइट में किसी बीच पे विजिट करना चाहते हैं नॉर्थ गोवा में, तो यू शुड कम एट बागा बीच। तो अगर आप अभी इस वक्त नवंबर मंथ में आ रहे हैं तो इस वक्त गोवा में वेदर कैसा है, तो वेदर आज की अगर मैं बात करती हूँ तो अभी इस वक्त मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। अदरवाइज़
कुछ डेज रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो इसी टाइप का वेदर मिलेगा। कभी आपको ठंडा वेदर मिलेगा, कभी ह्यूमिडिटी वाला गर्मी वाला वेदर रहेगा। बट जब मॉर्निंग टाइम रहता है उस टाइम पे आप गर्मी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह का वेदर है। शाम के टाइम पे स्पेशली जब सनसेट हो जाता है उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडा वेदर हो जाता है, और बीचेस पे तो बहुत ठंडी हवा चलती है, तो इस टाइप का आपको कुछ वेदर मिलने वाला है। नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में अभी ठंड शुरू हो चुकी है। गोवा में तो गर्मी ही रहती है थ्रू आउट द ईयर, बट जब बारिश हो रही होती है या फिर जब अर्ली मॉर्निंग, अभी इस टाइम पे नवंबर मंथ में जो अर्ली मॉर्निंग है और सनसेट के बाद का टाइमिंग है, उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, ठंडा रहता है, तो इस तरह का वेदर है अगर आप नवंबर मंथ में गोवा आ रहे हैं तो। और यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव वाटर स्पोर्ट्स होता है बागा बीच पे, तो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ और उसके प्राइसेस भी बता देती हूँ। तो अगर आप बागा बीच आ रहे हैं तो यू मस्ट ट्राई दिस वाटर स्पोर्ट्स। तो अगर आप सामने देखेंगे, दिस लुक्स सो अमेजिंग, दिस इज सेल बोट। तो ये जो वाटर स्पोर्ट्स है ये एक्सक्लूसिवली आपको बागा बीच पे ही मिलेगा, तो अगर आपको ये करना है तो आपको बागा बीच पे ही आना होगा, क्योंकि इसके अलावा नॉर्थ या साउथ गोवा के किसी बीच पे ये वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है अभी इस वक्त। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो 600 रुपीज़ पर पर्सन ये आपको चार्ज करते हैं, एंड देन यू इफ़ यू वॉन्ट टू गो तो इस पे 3 लोग एक साथ जा सकते हैं, तो आपको एक लाइफ जैकेट दिया जाता है, एंड अगर आप वो लाइफ जैकेट पहनते हैं, लाइफ जैकेट पहन करके आपको ये सी में लेकर के जाते हैं, एंड देन एक फुल राउंड होता है जो वहाँ से वो एक राउंड करवा करके आते हैं। तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पे ये वाटर स्पोर्ट्स करके वापस आ रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी एडवेंचरस एंड यूनिक स्पोर्ट्स जो कि आपको सिर्फ बागा बीच पे करने मिलता है। यहाँ पे ये सारे बीच साइड रेस्टोरेंट्स हैं, अब क्योंकि सनसेट हो ही चुका है तो यहाँ पे ये सारा नाइट सेटअप हो रहा है, इवनिंग सेटअप हो रहा है। यहाँ पे अभी बेंचेस और चेयर्स लग चुके हैं और यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर का सेटअप करते हैं ये सारे, और यहाँ पे बहुत सारी अभी लाइट्स भी आ जाएंगी। सो दिस इज़ एन अमेजिंग पार्ट अबाउट बागा बीच रेस्टोरेंट एरियाज, कि यहाँ पे ये जो अभी आपको सेटअप दिख रहा है बहुत ही बड़ा सेटअप होता है, और मॉर्निंग में आपको ये यहाँ पे पूरा प्लेन दिखाई देगा, बट इवनिंग में अगर आप आते हैं तो ये अमेजिंग सा बीच सेटअप हो जाता है विद अ लॉट ऑफ लाइटिंग हियर। तो दिस लुक्स रियली अमेजिंग एट बागा बीच। बीच वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीच हियर एट गोवा, तो क्राउड कंपैरेटिवली मुझे कम लगा आज, ट्रैक्स अभी भी ओपन नहीं हुए हैं, वेदर बहुत अच्छा हो गया है आज, स्पेशली वेदर बहुत अच्छा है, एंड नवंबर में अगर आप आते हैं तो ठंडा गर्म इस तरह का ही वेदर मिलेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी। और दिस इज़ ऑल अबाउट गोवा राइट नाउ, और अगर आपके गोवा ट्रिप को लेकर के कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूँगी। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे, टिल देन कीप लविंग गोवा।